आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडियन गिफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर का ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोगों के बच्चों की शिक्षा पर हमें काम करना है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों के बनाए हुए उत्पादों की डुप्लीकेसी ना हो, इस बात को लेकर सरकार गंभीर है। आज दिल्ली में EPCH जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है हैंडीक्राफ्ट का, उनका एक बार फिर से 44th एडिशन है ऑटम फेयर का। देश भर से बायर्स और लगभग दुनिया के 100 देशों से बायर्स यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। भारत के जितनी भी कला संस्कृति को हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से हम विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस संदर्भ में ये भारत की एक बहुत बड़ी पहल, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं अभिनंदन करती हूँ EPCH का, क्योंकि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों से प्रेरणा लेकर विशेष रूप से पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की कला को, क्राफ्ट को यहाँ पर एक विशेष स्थान दिलवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इंडस्ट्री से आग्रह करते हैं कि आप जितना भी प्रगति करें तो आपके साथ काम करने वाले जितने लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं, और EPCH ने निर्णय लिया है कि उनके साथ जितने भी शिल्पकार जुड़े हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो स्वयं अपनी CSR एक्टिविटी से EPCH यहाँ पर उसे स्पेंड करेगी। साथ ही हमारे आर्टिजन के, हमारे डिज़ाइन हाउसेज के जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन की भी यहाँ पर एक पहल हुई है, जिसके लिए मैं EPCH का अभिनंदन कर। इस मेले में भारत समेत 100 से ज्यादा देशों से आए 2,980 प्रदर्शकों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। 14 उत्पादों के 2,000 से अधिक उत्पाद मेले में पेश किए जा रहे हैं। 1,90,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह प्रदर्शनी लगाई गई है।